नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रानिया ब्लॉक समिति के चेयरमैन सुभाष नेहरा जी, जो कि 2005 से लेकर के 2010 तक चेयरमैन रह चुके हैं और इसके बाद 2010 से 2015 तक गांव धोतड़ के सरपंच रह चुके हैं। इनका लोगों के साथ अच्छा मेलजोल है, लोगों की विश्वास के साथ इन्होंने चेयरमैन भी बनाया और इनको सरपंच भी बनाया। अब इन्होंने इनेलो छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन की है। आज हम इसके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, मैं 2006 में इनेलो पार्टी में आया था, जब ब्लॉक समिति का मैं चेयरमैन पहले बना था 2005 में। उसके बाद में कुछ मेरी मजबूरियों की वजह से मैं लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की थी और लगभग इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है। उसके बाद में कारण कोई बड़ा कारण नहीं रहा है इस पार्टी को छोड़कर इधर आने का। मेरे पास, मैंने चौधरी रणजीत सिंह में अपना नेता देखा और रानिया के विकास को उनकी लालसा देखी विकास करने के लिए, इसलिए मैं इनेलो को छोड़कर चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ में कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की। और इससे बड़ा और कोई कारण है नहीं इसके बारे में। जैसे कि कांग्रेस के नेताओं में आपसी फूट की चर्चाएं सुनने को हमें मिलती रही है, मैं ज़्यादा बात तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा, अभी समय है चुनाव में और चुनाव के आते आते सभी आप देखेंगे, अभी 1 तारीख को रैली भी होने जा रही है, सभी नेता एक मंच पे होंगे और जो बड़ा परिवार है उसमें थोड़ी बहुत बातें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी कांग्रेस आई थी, ये सब पहले भी थोड़ा बहुत होता रहता था। कोई फूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब साथ हैं, साथ लेके सबको एक दूसरे चल रहे हैं, ये बड़ी बात, ये सब चलता रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। रानिया हल्के की राजनीति के बारे में क्या कहना है और किस उम्मीदवार को अगर टिकट मिलती है तो कांग्रेस के नेता की जीत संभव है? ये रानिया हल्का के बारे में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। रानिया हल्का विकास की जो बात है उसके बारे में हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा है। रानिया हल्के के अंदर विकास है वो शून्य के बराबर है। थोड़ा बहुत अगर विकास हुआ है तो वो कांग्रेस के राज में हुआ है, चाहे आप गांव में बिजली घर का मामला ले लीजिए, चाहे थोड़ी बहुत सड़कों का मामला ले लीजिए, चाहे आप गांव में हॉस्पिटल्स का मामला ले लीजिए, कई गांव में हॉस्पिटल बने हैं राज में। अब तो गांव की हालात और इस रानिया क्षेत्र की हालात ये है कि नाथूसरी चौपटा ब्लॉक में तो आप ये मान लिए वाटर लेवल जो 150, 125, 130 फीट के ऊपर है वो तो ओपन जोन है, और रानिया के अंदर 90 फुट पे वाटर लेवल होते हुए भी इस सरकार ने किसानों के साथ इतना धोखा किया है कि इसको डार्क जोन घोषित कर दिया। आप ये समझो, एक दो बेटे हैं और उसके पास 8 एकड़ ज़मीन है, उनको दोनों को अलग करके वो उसको ज़मीन बांटने देना चाहे और एक ट्यूबवेल, बताइए दूसरे के पानी कहाँ से लगेगा। इन्होंने ये चीज़ें बहुत, सरकार ने किसानों को मारने का काम किया है। विकास तो बहुत दूर की बात है, शहर में बोर्ड लगे हुए हैं, ये कर दिया जी, वो कर दिया, लेकिन जमीनी सतर पे जब आप धरातल पे उतरोगे तो आप देखोगे कि के अंदर विकास जो है इस सरकार में जीरो है। मैं क्या कहना चाहते हैं, अभी कितना विकास रानिया के क्षेत्र में भाजपा ने किया है? रानिया के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया, जीरो विकास किया है। चाहे वो किसान का मामला ले लीजिए, चाहे वो मजदूर का ले लीजिए, चाहे छोटे व्यापारी वर्ग का ले लीजिए, किसान का मैंने आपको बता दिया, ना खेत में कोई खाल है, ना कोई पानी का इंतजाम हुआ है। ये जो गगरे की नए कांग्रेस के राज में चौधरी रणजीत सिंह के समय में वो जनता ने हरा दिया था वो अलग बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की पनीवाड़ा तक पानी का काम किया। इस सरकार में आप एक खाल का नाम ही निकाल के दे दीजिए कि खाल बनाए। रही बात मजदूर की, ये बीपीएल कार्ड ये करोगे जी, वो करेंगे, सबको कनेक्शन देंगे। अरे कनेक्शन तो तब देंगे आप जब लोगों के पास बीपीएल कार्ड होगा। 2005 में कार्ड, राशन कार्ड नॉर्मल बने, बाद में आज 2018-19 आने को है, नॉर्मल कार्ड नहीं, कार्ड तो बहुत दूर की बात है। आप उस विभाग में आप उस जाके देखिए, उनके पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कवर ही नहीं है। और भी बात तो अब क्या कहेंगे, जब कार्ड ही नहीं है तो आप बीपीएल देंगे किसको, सिलेंडर किसको देंगे, सहूलियत किसको देंगे, मकान किसको देंगे? कांग्रेस का चौधरी रंजीत सिंह, अगर वो रानिया हल्का से विजयी हो जाते हैं तो रानिया के मामले में क्या कहना है आपका? हल्का पहला हल्ला था, आप उस टाइम का काम देख लीजिए। इसके बाद में 2 बार ओपन चुनाव हुए, एक बार कृष्ण जी बने, एक बार बने, आप वो देख लीजिए। चौधरी रणजीत सिंह हारे के तौर पर भी आप उनका काम देख लीजिए। अगर जनता ने और रानिया हल्का की जनता ने आशीर्वाद दिया, लगता है मैं मेरे निजी तौर पर के 100% पर, जब चौधरी साहब ये जीत के आएंगे और कांग्रेस की बनेंगी, फिर आप देखना कि इस रानिया हल्के के चित्र को, गांव को, शहर को विकास की गंगा बहा राम चौधरी रणजीत सिंह करेंगे यहां से। बहुत बहुत स्वागत है, आप लगातार चैनल पल पल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्रकाश रानिया से।